सो बेटा, अगर हम बात करें, प्लीज पहले अभी जो मैं समझाना चाहती हूँ प्लीज मुझे एक बार सुन लो प्लीज. ओवरी इट इज सराउंडेड बाय दैट ऑफ अ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड दैट इज कॉल्ड अ जर्मिनल एपिथेलियम इन साइड ओवरी. बेटा ओवरी का जो अंदर का पोर्शन है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. अपर पार्ट इट इज कॉल्ड एज ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड द लोअर पार्ट इट इज कॉल्ड एज ओवेरियन मेडुला. सो बेटा पूरा का पूरा ओवरी इट इज सराउंडेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. Inside ovary, it is called as stroma. Stroma, it is divided into upper ovarian cortex. मैं सब कुछ लिखवाऊंगी, आप लिखो मत, डायग्राम ड्रॉ करो. मैं सिर्फ जो पढ़ा रही हूँ उसको सुनो, रिवाइज करो, फिर हम सब नोट्स के फॉर्म में सब कुछ लिखेंगे. ठीक है, लिखने की कोशिश मत करो, लिखवाऊंगी सब कुछ, रिवाइज करो सिर्फ मेरे साथ. ओवरी इट इज सराउंडेड बाई क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, उस लेयर को क्या कह रहे हो, उस कैविटी को क्या कह रहे हो? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. अपर इट इज कॉल्ड एज ओवेरियन कॉर्टेक्स, लोअर वन इट इज कॉल्ड एज ओवेरियन मेडुला. बेटा कॉर्टेक्स वाले रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि ओवरी का फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवा. तो ओवा का प्रोडक्शन करना है, तो ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवेरियन कॉर्टेक्स में. और मेडुला वाले रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें, लिम्फैटिक वेसल्स, नर्व्स प्रेजेंट होती है ओवेरियन मेडुला में. सो बेटा ध्यान से देखो एक बार, ओवेरियन कॉर्टेक्स हो, मैंने आपको बोला अपर रीजन में क्या प्रेजेंट है? ओवेरियन फॉलिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवेरियन फॉलिकल? बेटा सबसे पहले एक ऐसा सेल बनता है जिसमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल बनती है, तब आप उसे क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल. फिर यही प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल? इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स. जब टू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे तब आप उसे क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल. इसके बाद बेटा सेकेंडरी फॉलिकल के बाद एक टाइम आता है जब हमारे पास टर्शरी फॉलिकल बनता है. टर्शरी फॉलिकल, बेटा फॉलिकल दीज आर द टाइप ऑफ सेल्स दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जो ओवा बनाने के लिए मदद करेगा उसे कह रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स. सिमरित, मैंने सिर्फ इतना बताया बेटा ओवा की फॉर्मेशन करने के लिए एग इज रिलीज, ये एग इज फॉर्म फ्रॉम द फॉलिकल. यस बेटा, ओके बेटा, मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया. ओवरी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवा. सिमरित मैं आपको समझा रही हूँ. सो ओवा बनाने के लिए बेटा सबसे पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल बेटा, फॉलिकल इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन. अभी आप समझो कि जब हम लोगों का डेवलपमेंट होने लगता है तभी ये फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, अभी समझा रही हूँ बेटा, पहले सुन लो मेरी बात. मैं सब कुछ लिखवाऊंगी भी सही ना, पहले मेरी बात सुनो. सबसे पहले मैंने आपको बताया ओवरी इट इज सराउंडेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. इसके अलावा बेटा हम लोगों ने बोला कि इनसाइड ओवरी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर ओवेरियन कॉर्टेक्स, लोअर ओवेरियन मेडुला. स्ट्रोमा के अंदर सबसे पहले ओवरी का काम क्या है बेटा? ओवा की फॉर्मेशन करना. तो फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले एक सेल बनता है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है. प्राइमरी फॉलिकल इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल. फिर उसके बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल एज अ नेम सजेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ सेल. इसमें टू लेयर्स ऑफ सेल्स बन रहे हैं, फॉलिकुलर सेल दो लेयर की बनी है. इसके बाद आता है बेटा टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ सेल. बेटा इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल. फॉलिकुलर सेल एक तरह का सेल्स है जो ओवा की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यस बेटा, दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ ओवा, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवा. बेटा फॉलिकल एक तरह का सेल का नाम है जो ओवा की प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके उज्जवल. सो बेटा टर्शरी फॉलिकल आता है.
टर्शरी फॉलिकल इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स. सो बेटा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, बेटा अभी इनर सेल्स वो सब नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ इतना बताया अभी प्राइमरी फॉलिकल का मतलब सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल है. अभी हमें इनर सेल, ट्रोफोब्लास्ट वो सब पे नहीं जाना, पिनाकी सब इतना समझो कि प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, सेकेंडरी फॉलिकल में टू लेयर ऑफ सेल है, टर्शरी फॉलिकल में थ्री लेयर्स ऑफ सेल है. साथ साथ बेटा इसके अंदर एक कैविटी भी फॉर्म होती है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी भी फॉर्म होती है. अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप अगर चाहते हो कि बहुत अच्छे से समझ में आए तो मेरे साथ कैसे समझ पाओगे, पहले आपको मुझे पूरी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. मैं वैसे भी बहुत बार एक ही चीज को रिपीट कर देती हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा. एक बार पहले मुझे समझाने दो पूरा, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट रह जाते हैं तो फिर हम उसके नोट्स बना के देखेंगे, फिर भी आपको लगता है कि आपके डाउट्स रह जाते हैं तब आप मुझसे पूछ लेना. सो बेटा टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, आप उस कैविटी को क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रम. सो बेटा पहले प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल इट कंसिस्ट ऑफ अ कैविटी, उस कैविटी को क्या कहते हैं बेटा, एंट्रम कहते हैं. टर्शरी फॉलिकल के बाद एक और स्टेज आती है, उस स्टेज को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल का मतलब क्या है, मैच्योर्ड फॉलिकल. मैच्योर्ड फॉलिकल का मतलब क्या है, वो फॉलिकल दैट इज रेडी टू ओव्यूलेट, जो अब तैयार है, बिल्कुल मैच्योर्ड हो चुकी है ओवा को बाहर निकालने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल. इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ सेल्स. सो बेटा अभी तक हमने पढ़ा ओवरी इट इज सराउंडेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल दैट इज कॉल्ड अ जर्मिनल एपिथेलियम. इनसाइड ओवरी कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर ओवेरियन कॉर्टेक्स, लोअर ओवेरियन मेडुला. ओवरी का काम है ओवा का फॉर्मेशन करना, पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल देन सेकेंडरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सेकेंडरी फॉलिकल में टू लेयर ऑफ सेल है, टर्शरी फॉलिकल में थ्री लेयर ऑफ सेल है, लेकिन इसमें एक कैविटी भी अराइज हो गई है दैट इज कॉल्ड इज एंट्रम. टर्शरी फॉलिकल के बाद एक स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड इज ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज अ मैच्योर्ड फॉलिकल रेडी टू ओव्यूलेट, इसमें ओवा का फॉर्मेशन हो चुका है, अब ये ओवा बाहर निकलने वाला है. और ओवा का बाहर निकलना ओवरी से, अगर ये ओवा बाहर निकल जाएगा ओवरी से, तब आप उस प्रोसेस को क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. बेटा ओवा तो बाहर निकल गया, तो जो बची हुई फॉलिकुलर सेल्स हैं, जो बाकी के बच गए फॉलिकुलर सेल्स हैं, देन इट फॉर्म्स अ येलो कलर बॉडी. वो एक येलो कलर की बॉडी बनाएंगे, यस बेटा, एंड दैट येलो कलर बॉडी इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम. सो ओव्यूलेशन होने के बाद जो बची हुई फॉलिकुलर सेल्स हैं, इट फॉर्म्स अ येलो कलर बॉडी दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम. आप जानते हो बेटा कि एवरी फीमेल प्रोड्यूसर्स हाउ मेनी ओवा इन अ मंथ, एक महीने में कितने ओवा प्रोड्यूस होते हैं, वन प्रोड्यूस होते हैं. अगर तो बेटा ओवा फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से, तब वो बन जाएगा जायगोट. अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ देन दिस कॉर्पस लूटियम इट गेट डीजेनरेट. तो ये जो कॉर्पस लूटियम है यही डीजेनरेट हो जाएगा इनटू दैट ऑफ वाइट स्कार टिश्यू. कॉर्पस लूटियम, हाँ बेटा, जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, वो बाद की बात है, अभी हम ओवा की बात कर रहे हैं, अभी हम यूट्रस पे नहीं है. मैंने बताया कि ओव्यूलेशन हुआ, द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. बेटा ओवा निकलने के बाद जो बाकी की फॉलिकुलर सेल्स है, जैसे जो ब्लू कलर के सेल्स है, येल्लो कलर के सेल्स है, पिंक कलर के सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल्स जो बच गए, इट फॉर्म्स अ येल्लो कलर बॉडी. उस येल्लो कलर की बॉडी को क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम. This corpus luteum it is responsible for the production of female sex hormone that is progesterone. ये corpus luteum क्या करती है, progesterone को बनाने के लिए responsible है.
प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा, हमारे यूट्रस के अंदर, हमारे गर्भ के अंदर, हमारे वूम के अंदर ब्लड की लाइनिंग को मेंटेन करता है। अगर तो स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमारा बेबी बनना शुरू हो जाएगा, जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो यही ब्लड की लाइनिंग टूट जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा इनटू दैट ऑफ व्हाइट कलर के टिश्यू में, एंड दैट टिश्यू इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स। इतना क्लियर हुआ सभी को? ओके, सो बेटा अगर हम बात करें ओवा की भी, हाँ लिखवाऊंगी, सब लिखवाऊंगी, सब लिखवाऊंगी बेटा, इसलिए कह रही हूँ समझ लो पहले ध्यान से। अभी हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल में बेटा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है देन इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके जानवी बेटा, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन इट फॉर्म्स कॉर्पस एल्बिकन्स। सो नाउ बेटा प्राइमरी फॉलिकल इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, और आप इनकी सिंगल लेयर ऑफ सेल को अभी देखना, ध्यान से सुनना, अभी कुछ नई बात बता रही। प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ सेल है और आप उन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का नाम क्या रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैनुलोसा सेल्स। सेकेंडरी फॉलिकल में टू लेयर ऑफ सेल्स है, इनर जो सेल है वो तो कौन से है बेटा, ग्रैनुलोसा सेल्स ही है, और जो आउटर सेल्स हैं उनका नाम क्या रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज थीका सेल्स। क्लियर हुआ? जो प्राइमरी फॉलिकल में बेटा कॉर्पस एल्बिकन्स ओवरी का पार्ट है और एंडोमीट्रियम यूट्रस का पार्ट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, अलग अलग ऑर्गन की बात है। सो बेटा अगर हम बात करें प्राइमरी फॉलिकल की, तो प्राइमरी फॉलिकल बता रही हूँ बेटा सुन लो, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल है, उन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को क्या कह रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल। सेकेंडरी फॉलिकल में टू लेयर ऑफ सेल है, उसमें इनर वाले सेल्स तो कौन से, ग्रैनुलोसा सेल्स है, उसके बाहर जो सेल्स है उसका नेम क्या रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज थीका सेल। फिर टर्शरी फॉलिकल की अगर हम बात करें बेटा, तो टर्शरी फॉलिकल में इनर सेल्स तो कौन से है, ग्रैनुलोसा सेल्स। मिडल लेयर और आउटर लेयर में कौन सा है, आउटर वाले जो है दैट इज थीका एक्सटर्ना, और जो इनर वाले हैं दैट इज थीका इंटरना। क्लियर हुआ? जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें टू थ्री लेयर्स बन गए, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल्स। डन विद द डायग्राम, पॉइंट्स लिखवाओ, डायग्राम बन गया है सभी का, जल्दी से कर लो। तहीरा, उपेश, बेटा एंट्रम ग्राफियन फॉलिकल में बल्कि और बड़ा होता है, ठीक है। थीका इंटरना बेटा इनर लेयर है, थीका एक्सटर्नल आउटर लेयर है बेटा। टर्शरी फॉलिकल ही आगे मेच्योर्ड होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। बेटा कॉर्पस एल्बिकन्स का कोई फंक्शन नहीं है, कॉर्पस लूटियम जब डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब वो एक व्हाइट कलर का स्कार बनाता है, मतलब व्हाइट कलर का एक धब्बा बनने लगता है, तब उसे कहते हो कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके अलिया, नहीं बेटा मिडल वाली, मिडल वाली ये बेटा, मिडल वाली थीका इंटरना है, आउटर वाली थीका एक्सटर्ना है, ये कॉर्पस एल्बिकन्स इज अ रेमिनिसेंट। चलिए बेटा नोट डाउन कर लेते हैं पॉइंट्स को। बेटा मैंने कॉर्पस लूटियम के बारे में बताया मेरे बच्चे कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओवा के डेवलपमेंट होने, अच्छा किसको नहीं आया था, राजदीप को नहीं आया ना बेटा, रेमिनेंट मतलब होता बचा हुआ बेटा, बता लो बचा हुआ। बेटा कॉर्पस लूटियम का मतलब क्या है,
कॉर्पस लूटियम का मतलब बताया, जैसे ओवा बाहर निकल गया, जैसे मेरी बॉडी में ओवा बाहर निकला। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑफ स्पर्म, अभी मैं स्पर्म का इंतजार कर रही हूँ ताकि स्पर्म आए उसे फर्टिलाइज करे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, जायगॉट बन जाएगा। नाउ जायगॉट के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो क्या करेगा, मेरे यूट्रस में जाकर, मेरे गर्भ में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा मेरी ब्लड लाइनिंग के साथ। क्यों? क्योंकि ब्लड लाइनिंग उसे क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट देती है, खाना देती है, न्यूट्रिशन देती है। लेकिन अगर ये स्पर्म नहीं मिला तो बेटा वो ब्लड की जो लाइनिंग है, पहले तो वो ब्लड की लाइनिंग समझो, वो ब्लड की लाइनिंग कौन बनाता है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन बेटा एवरी मंथ 14th डे पे, हर महीने हमारी बॉडी में 14th डे पे ओवा रिलीज हो जाता है सौरभ, ठीक है। जैसे पीरियड्स फिनिश होता है, पीरियड्स फिनिश होने के बाद उसके 14th डे पे हमारी बॉडी से ओवा रिलीज होता है। फिर उसके बाद बेटा ओवा रिलीज हुआ, अगर स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं करेगा तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, किसके अंदर, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर, क्योंकि कॉर्पस लूटियम की जरूरत नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं है, ब्लड लाइनिंग की जरूरत नहीं है मेंटेनेंस की, तभी वो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में। सो नाउ पॉइंट्स बेटा, सीलिएटेड मतलब जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, ओके। नाउ बेटा लिख लो प्लीज, ओवरी इज सराउंडेड बाय, बन सकते हैं बेटा टू ओवा, लेकिन ये एबनॉर्मलिटी है, नहीं होना चाहिए, वन मंथ में सिर्फ वन ही ओवा प्रोड्यूस होता है सेजन, बनते हैं लेकिन कई फीमेल्स के अंदर, बट इट इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी, इट इज नॉट अ नॉर्मल इशू, यस इन द केस ऑफ ट्विन्स ऑल्सो। सो ओवरी इज सराउंडेड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। इनसाइड ओवरी it consists of stroma, stroma is divided into upper cortex and lower medulla. Done. Ovarian cortex consists of points में बनाना बेटा, paragraph मत बनाना, points बनाना। Ovarian cortex बेटा इट्स ओनली अ कैविटी, इट इज अ पोर्शन जिसके अंदर हमने उसको दो पार्ट्स में डेवलप डिवाइड किया, इट्स अ टाइप ऑफ अ कैविटी। जानवी यू हैव टू राइट फ्रॉम द बोर्ड ना बेटा, तो बोर्ड से अभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं हम। डन। सो बेटा ओवेरियन कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड ओवेरियन मेडुला कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज elastic fibers, blood vessels, and smooth muscle fibers.
बेटा इलास्टिक फाइबर, दीज आर द दोज फाइबर दैट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब स्ट्रेच करना, और दोबारा से जब आप उसे रिलीज कर दो तो रीगेन इट शेप, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक फाइबर. हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर. सो बेटा यहाँ पर कौन सी फाइबर प्रेजेंट है? इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है. डन.